हरियाणा की भाजपा सरकार बातें तो करती है रामराज की, लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध और बदमाशों की सरेआम गुंडागर्दी सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। गौर से देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को, जिनमें चार से पांच बदमाश बीती देर रात एक ढाबे में घुसते हैं और ढाबा संचालक पर लात घूसों और चाकुओं से हमला कर देते हैं। ये वारदात पानीपत के मतलोडा कस्बे की है और पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने रात को ही बदमाशों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया, जिससे नाराज दुकानदारों ने रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। जो कार्रवाई जो कल घटना हुई रात को बहुत गलत घटना हुई है, होटल में गुंडागर्दी हुई ऐसी होनी चाहिए है। हम पुलिस प्रशासन ये कार्रवाई चाहते हैं, एसपी साहब से पूरे प्रशासन से, जो बंदे ने रात को पकड़े थे वो क्यों छोड़ दिए, किस कारण छोड़े, वो उनको भी पकड़ा जाए और जो उनके साथ उनको पकड़ा जाए, इसी चौक पे ले आके ये कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये सारा मार्केट मतलोडा मार्केट एसोसिएशन पूरी एकजुट है और ऐसी घटना हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। डीएसपी ने आश्वासन दिया है लेकिन अब भी आप जाम नहीं खोल रहे। डीएसपी ने आश्वासन दिया था, डीएसपी कार्रवाई करेगा तो खोल देंगे हम। शाम तक का समय मांगा है आप लोग? खोल देंगे, कोई बात नहीं, शाम तक खोल देंगे। शाम तक ऐसे जारी रहेगा? हाँ जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? जयविंदर सिंह। हाँ जी, अब उनसे बात हो गई है तो कह रहे कल तक का टाइम दो 11 बजे तक, अगर कल तक 11 बजे तक नहीं पकड़ा गया तो फिर सारी मंडी बंद होगी और हम सब इकट्ठे होकर यहाँ चक्का जाम करेंगे। दोबारा से जाम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, जरूर। कम से कम 4-5 जने तो, पर मेन तो बंदा है वो गिरफ्तार होना चाहिए ना, है तो 4-5 जने पर जो मेन बंदा वो सारे गिरफ्तार। हाँ मैं जानता था, दारा नाम है उसका, नारेगा। उधर दुकानदारों ने रोड जाम कर हंगामा किया तो मामला बढ़ता देख खुद डीएसपी धर्मवीर खर्ब मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर रोड जाम को खुलवाया। इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और उन लोगों ने इसके साथ मारपीट करी है और कुछ आलोग पुलिस ने राउंड अप भी किए थे उस टाइम और वो छोड़ दिए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यदि इनकी FIR हमने दर्ज कर दी है और उन लोगों को पकड़ने के लिए हमने टीमें भेज दी हैं, उनको शाम तक हम काबू करके हवालात में देंगे। दुकानदार संतुष्ट है सर, आश्वासन दिया है जाम खोलने? हाँ आश्वासन नहीं है, ये तो आश्वासन नहीं है, ये तो पकड़ना हमारा काम है, हम पकड़ेंगे उनको, ठीक है, पहले भी पकड़े हैं और आज भी पकड़ेंगे। कोई आदमी कानून से बच के नहीं जा सकता, जिन्होंने अपराध किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। आज शाम तक हम अभी भेज दूँगा, मैं थाने में जाऊँगा और टीमें बढ़ा के हम भेजेंगे, उनकी लोकेशन मिलेंगे, सारे कार्रवाई होगी, उनको उठाएंगे। हाँ जाम लोग आश्वस्त हैं बिल्कुल, मेरे पुराने परिचित हैं, मैं पहले भी रहा हूँ और इन लोगों को मुझे मेरे ऊपर विश्वास भी है, मैं पहले यहाँ भी 2-3 बार ऐसे चो रहा हूँ, मेरे टाइम में कोई भी किसी प्रकार की इंसिडेंट नहीं हुई और ये अब भी नहीं होने देंगे। उसके बेटे के लिए सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं? हाँ सिक्योरिटी सुरक्षा हमारी जो PCR यहाँ खड़ी करेंगे उसमें एक आदमी हम और बढ़ा रहे हैं और वही आदमी उसकी सुरक्षा करेंगे, होटल नज़दीक है चौक से और वही आदमी उसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। जैसे बार बार वीडियो दिखाई जा रही है, एक बार हमला करके फिर दोबारा आए, दोबारा करके फिर तीसरी बार आए, ऐसा क्यों हुआ? हाँ वो वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैं मौके पर आया हूँ, एक जिम्मेवारी अधिकारी होने के नाते वो मेरे को दिखा रहे हैं ताकि मैं संतुष्ट हूँ भाई उसके साथ जाती हुए हैं, इसलिए वो बार बार वीडियो मेरे को दिखाई गई। सर ये बता रहे हैं कि आरोपियों को पहले पकड़ लिया था फिर छोड़ दिया, क्या पुलिस कर्मी जो अगर लापरवाही मिलती है तो उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, किसी को कोई भाईचारा यहाँ नहीं है, बिल्कुल कानून के जो अनुसार है वही कार्य होगा। अगर उनकी खामी पाई गई है मैं भी थाने जाऊँगा, उस चीज़ को भी वेरीफाई करूँगा और FIR भी मैं पढ़ूँगा, ठीक है, उसके बाद अगर उनकी लापरवाही पाई है तो उनके खिलाफ मैं लिख के भेजूँगा, अभी भेजूँगा। दरअसल झगड़ा खाने के ऑर्डर को लेकर शुरू हुआ था, दुकानदार ने ऑर्डर पूरा करने के लिए बदमाशों से 10 मिनट का समय मांगा था, लेकिन बदमाशों का कुछ देर में ही सब्र का बांध टूट गया और मामला मारपीट तक जा पहुंचा, जिसके बाद लात घूसे और चाकू चलने लगे। बहरहाल पीड़ित ढाबा संचालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। पानीपत से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।